सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। एंड आज हम आपको BEG C 102 का असाइनमेंट दिखाने वाले हैं। ये असाइनमेंट आप देख सकते हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का है और ये हमारा लेटेस्ट असाइनमेंट है, यानी 22-23 का असाइनमेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैं पूरा वीडियो आपके लिए बनाने जा रही हूँ, ये पूरा सिंगल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ असाइनमेंट है और ये हमारा एक लाइव सैम्पल है। यानी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, जैसे हम कुछ मटेरियल दिखा रहे हैं और भेज कुछ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम दिखाते बहुत अच्छा है और भेजते कुछ गड़बड़ी वाला है, तो वैसा नहीं है। ये बिल्कुल एक हमारे फ्रेंड्स जो हमारे क्लाइंट्स थे, उन्होंने हमारा ऑर्डर दिया था। तो इन असाइनमेंट्स को हम आपके प्लेस पर डिलीवर करेंगे एज इट इज़, जैसा आपको दिखाया जा रहा है। तो ये BEG C का असाइनमेंट है, जो भी स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अबाउट टिपिक। तो आप देख सकते हैं ये जो हर एक पैराग्राफ है उसमें आप मैच भी करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से पूरा एनालाइजमेंट किया हुआ है आंसर में। और इसके अलावा यहाँ पे जो यूनिक मटेरियल है उसका भी हमने ध्यान रखा है। यानी यूनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि देखिए दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक PDF से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी करते रहते हैं। अब जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं एक ही चीज़ को, एक ही कंटेंट को, तो जो टीचर्स हैं वो कॉपी कंटेंट को इतना प्रेफर नहीं देते और इतने मार्क्स नहीं देते। तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि आपको बेस्ट चीज़ मिले। तो ये हमारे हैंड रिटन का फ्रंट पेज जो हमने पूरा अपने स्टूडेंट्स को बना के दिया था, वो एक लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। इससे पहले हम दो पेज और अटैच करते हैं, जो कि आपका इग्नू का फ्रंट पेज है जिसमें आप डिटेल्स लिखते हैं। देन इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन पेपर है विच यू कैन सी, जो आपका सेशन से रिलेटेड रहता है। सो यू कैन सी योर क्वेश्चन पेपर इज रिलेटेड विद योर असाइनमेंट्स। तो ये हमारा BA इंग्लिश ऑनर्स का असाइनमेंट्स है, BEG C 103 का कोड है। तो मैं आपको एक सिंगल हैंड राइटिंग दिखाना चाहूँगी। तो आप भी जब अपना असाइनमेंट कर रहे हैं तो इसी तरह से करें। आप जब इस तरह से अपना असाइनमेंट करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से उसमें काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूनिटी ऑफ एक्शन जो इसमें क्वेश्चन है उसके आप देख सकते हैं आंसर, कहीं से हम कॉपी नहीं करते, अपना खुद का जो हमारे राइटर्स हैं वो अपना खुद का यूज़ करते हैं कंटेंट और अपने खुद का ही एफर्ट देते हैं। तो मैंने वीडियो को और ज़्यादा जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये हमारा असाइनमेंट है और अभी भी आप देख सकते हैं हमने अपनी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। जैसे कई सारे लोग होते हैं ना जो आगे आने वाले टाइम, जैसे पहले तो शुरू शुरू में अच्छा कर दिया लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग अपना राइटिंग चेंज कर देते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है इसमें। आप देख सकेंगे कि सब में बिल्कुल क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और हम ये मेक श्योर करते हैं अपने असाइनमेंट्स में कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। बिकॉज हमारे पास जो असाइनमेंट्स के ऑर्डर्स रहते हैं जो हैंड रिटन के, उसमें हम बहुत अच्छी क्वालिटी प्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से इसका आंसर लिखा गया है। इसके अलावा एक और जानकारी वाली बात बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जब भी अपना असाइनमेंट बनाएंगे तो आप अपने ब्लैक बॉल पेन और ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करें। बिकॉज इग्नू की गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट अबाउट दिस कि आपको ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या है, कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल कर देते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बना देते हैं, तो वो सब इग्नू में नहीं रिक्वायरमेंट है। बस इग्नू में क्या है कि जो भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है वो आप फॉलो करें, उस वर्ड लिमिट को फॉलो करके आप अपना असाइनमेंट बना रहे हैं और उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने मार्क्स में और आपको 90+ मार्क्स मिलेंगे और ये हमारी गारंटी है। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिल जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइडर हैं PDF वगैरह परचेज़ कर लेते हैं 10-10 रुपये में, 25-25 रुपये में। उससे होता क्या है यार, वही सेम PDF ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, इतने सस्ते PDF बेच रहे हैं लोग। अभी आप ये बताइए, जब सभी लोग उस चीज़ को लेंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चल पाता है, वो लेते हैं और अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं और जब उनको मार्क्स दिखाई देते हैं अपने ग्रेड स्कोर में, तो उसमें उनको लगता है कि यार ऐसा इग्नू क्यों कर रहा है या यूनिवर्सिटी वाले क्यों कर रहे हैं, टीचर क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने माइंड से आंसर लिखें। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है रिलेटेड विद योर आंसर, यू कैन आस्क विद अस अबाउट ऑल डिटेल्स ऑफ योर क्वेश्चंस एंड अबाउट योर असाइनमेंट्स। तो हमारे को अगर आप ऑर्डर देते हैं रिलेटेड विद हैंड रिटन, तो आपको बिल्कुल बेस्ट असाइनमेंट्स मिलेगा, जैसा कि आपको अभी दिखाया जा रहा है ना वीडियो में, उसी तरीके से आपको असाइनमेंट्स हम बना के देंगे और काफ़ी अच्छे से आपको क्रिएट करके सारी चीज़ें देंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें स्पायरल बाइंडिंग भी चलती है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ,
तो स्पायरल बाइंडिंग हम ऑन ऑर्डर पर करते हैं, यानी कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि स्पायरल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कहीं कहीं नहीं किया जाता है। तो हम फिलहाल ये आपको असाइनमेंट्स बना के देते हैं, पूरा रेडी टू सबमिट, ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी रहती है। आप पिन कोड डालेंगे अपना और हमें अपना प्रॉपर एड्रेस बताएंगे, तो आपको उस एड्रेस के हिसाब से टाइम और चीज़ें बता दी जाएंगी, कितने टाइम पीरियड में आपको आपका असाइनमेंट जो है मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक असाइनमेंट बनता है 20 से 25 पेजेस के बीच में, जो कि A4 साइज़ के रहते हैं। वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे आप तो आपकी राइटिंग के ऊपर है। देखिए कितने भी पेज भरें आप, पर वर्ड लिमिट फॉलो होनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई 20 से नहीं, मतलब 50-50 पेज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 50 पेज का। आपको वर्ड लिमिट 500 करनी है पर क्वेश्चन में। अगर आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप वर्ड लिमिट ज़्यादा करेंगे तो वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये स्ट्रिक्टली इग्नू ने लिखा हुआ है कि भाई आपको 100 वर्ड का आंसर लिखना है, यहाँ इतने वर्ड का लिखना है, और यहाँ पे आपको 350 वर्ड का लिखना है। तो आप इस चीज़ को देखें, मेनली आपको अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और उसी पर स्ट्रिक्ट रहना है, और मार्केट में जो भी चल रहा है या लोग जो भी बता रहे हैं उसको नहीं देखना। तो यहाँ तक के लिए ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अगर आपको ऑर्डर वगैरह प्लेस करना है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, और जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।